सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ जो एफ सेक्टर मस्जिद में जमाते आते वो भी सिगरेट पी लेते। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया है कुरान मजीद में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है, लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 40 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद जो सबसे ज्यादा मौत होती है कोई चीज पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं थे का सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरूह है। आज 400 से ज्यादा फतवे है सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोगों को लत लग गई है, हम उनसे दुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे, क्या ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले।